नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक नई नई खबर आई है कि कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने रेजिडेंस कानून के उल्लंघनकर्ताओं के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए अब आप लोगों के लिए जाने के लिए और बेहद आसान हो गया है। जी हाँ भाई लोगों, और मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आप लोगों को आज बताता हूँ पूरा डिटेल से कि किधर जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। आज का ये रविवार का दिन है, आज के दिन का ये नया अरब टाइम्स का रिपोर्ट है, मैं अरब टाइम्स से रिपोर्ट निकाला है, उसके बाद में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आज आंतरिक मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी जो यहाँ पे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने सुरक्षा और जनरल विभाग के रेजिडेंसी कानून के तहत जो उल्लंघन करने वाले प्रवासियों के लिए एक और देश छोड़ने वाले और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए, जी हाँ भाई साहब, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और संशोधन करने के की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए घोषणा की है। विभाग ने यह भी खुलासा किया है कि रविवार को इन प्रवासियों को अपनी स्थिति में, जी हाँ, आज से स्टार्ट हो गया है, इनको अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए मौका दिया जा रहा है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना काम करवा करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल सकें, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी समझ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद जो है इंडियंस लोगों की, इंडियंस लोगों के लिए ये मौका इसलिए दिया जा रहा है कि अभी जैसे कुछ लोगों को काम नहीं हो पा रहा था इधर उधर, तो अभी सब जगह पे ये काम चालू कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब विभाग ने कहा कि रविवार से इन प्रवासियों को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए सुबह आधिकारिक रूप से जो घंटों का उनका टाइमिंग है, जो आधिकारिक समय का टाइम है, इन विभागों में जाना चाहिए, इन गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट है, जी हाँ, इन सारे गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वहाँ का दौरा करना चाहिए जहाँ पे ये सब काम हो रहे हैं। देश छोड़ने के जो भी देश छोड़ना, कुवैत देश छोड़ना चाहते हैं, वो लोग शाम को भी, या दोपहर के 3 बजे से लेके रात के 8 बजे तक उनको इन लोगों में जाना चाहिए जो लोग देश छोड़ने का सोच रहे हैं, जिनके पास में नए पासपोर्ट हैं, जी हाँ, जिनके पास में नए पासपोर्ट हैं, उनको मुबारक अल कबीर गवर्नमेंट में और अल फरवानिया गवर्नमेंट के जवाजात में जाना चाहिए। वहाँ पे जाकर के उनको क्या करना है, कंप्यूटर में अपना जो भी कुछ है पूरी फाइल वगैरह कंप्लीट करवा लेनी है, उसके बाद में उनका वहीं से काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आज की नई खबर है, इन लोगों का वहीं पे काम हो जाएगा, उनको बाद में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास में वैलिड पासपोर्ट है, जिन लोगों के पास में ब्लैक पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है, उनको इन जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या उनको सीधा रह गई जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से भीड़ कम किया जाए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए दिन पर दिन जो भी नई खबर मिलती है मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आज का ताज़ा अपडेट है कि आज से जिन लोगों के पास में नए पासपोर्ट हैं उनको मुबारक अल कबीर गवर्नमेंट में जाना है और फरवानिया में जाना है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो आपको एक डेट देंगे कि इस डेट के अंदर आपको आना है, तो आपका वो उस टाइम लगा के दे देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने सब जगह पर काम चालू कर दिया, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग अपना काम कराइए और भाई लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार रहिए और अपना काम करवाते रहिए। धन्यवाद।